अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आपको, और ये बिल्कुल सिंपल सा है और लॉन के ड्रेस पे मैंने बनाया है। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप इसको बना सकेंगे। तो ये मेरे पास ट्राउज़र है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 7 इंचज़ ले ली है, और ये मेरे पास ट्राउज़र है, टोटल ट्राउज़र मैंने ले लिया है, यानी मैंने इससे ज़्यादा और कम नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने पेपर पट्टी से मैंने कट कर लिया है, और ये जो मैंने डिज़ाइन कट किया है इसकी मैंने 2 इंचज़ विड्थ रखी है और टोटल पेपर पट्टी 8 इंचज़ इसकी लेंथ रखी है, और इसको इस शेप में मैंने ट्राउज़र के साथ पेस्ट कर लिया है। अब पेपर पट्टी के दूसरी साइड पे इस तरह से मैं कपड़ा रख के यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से साथ साथ करके तो इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अंदर वाले हिस्से से फालतू कपड़ा कट कर लेंगे। ये मैंने फालतू कपड़ा कट कर लिया है, और अब जो दूसरी साइड पे मैंने कपड़ा लगाया था इसको दूसरी साइड पे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके, देखिए मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो दूसरी साइड पे कपड़ा था उसको फालतू कपड़े को कट करेंगे और तुरपाई करेंगे उसकी। और ये मैंने पेपर पट्टी ले ली है इसके हिसाब से, और ये मैंने एक डी शेप कट कर ली है पेपर पट्टी पे, 1 इंचज़ इसकी लेंथ रखी है और 1.5 इंचज़ विड्थ। इस तरह से मैं पेपर पट्टी लूँगी और यहाँ पे जो मैंने कट किया है यहाँ पे इसके हिसाब से मैं इसकी कट वर्क काट लूँगी। ये देखिए सारी पेपर पट्टी पे इस तरह से इसका कटवर्क बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने बना लिया है, और इसके साथ बिल्कुल सेम इसी तरह एक और बना लेंगे जो हम दूसरी साइड पे इसको लगाएंगे। अब इसके बनाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अलग से एक कपड़ा लिया है और इस कटवर्क को मैं यहाँ पे रख के दोनों को मैं पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को मैंने डबल टाई में फोल्ड किया है और इसकी सिलाई कर लेंगे।
ये मैंने सारी कटिंग कर ली है और आगे वाला जो फालतू हिस्सा है उसको कट कर लिया है और यहाँ से कट का निशान लगा लेंगे। ये देखें इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसको यहाँ पे इस तरीके से दूसरी साइड पे मोड़ने से पहले हम ये जो दूसरी मैंने बनाई थी पट्टी उसको भी यहाँ पे रख के तो लगाएंगे। ये मैंने दोनों साइड पे लगा लिया है और अब ये मैंने पेपर पट्टी को कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। ये देखिए तकरीबन 2 इंचेस इसकी विड्थ बन रही है। अब यहाँ पे मैं दोनों साइड पे इसके सिलाई कर लूँगी। और इसको मैं नीचे वाले हिस्से पे रख के तो साइडों पे इसकी सिलाई कर लूँगी ताकि ये कवर हो जाए। ये देखिए मैं दोनों हिस्सों को मैंने पेस्ट कर लिया है और नीचे वाला कपड़ा भी उसके साथ मैंने पेस्ट कर लिया है। और ये देखें जो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो बटन है ये मैंने इसके साथ मैचिंग लिए हैं और उनको मैं यहाँ पे रख के इस तरह से इसके साथ सिलाई कर लूँगी। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको हमारा सिंपल सा आज का ट्राउज़र डिज़ाइन? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए।